रायपुर के सिविल लाइन थाने की पुलिस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को टूलकिट मामले में नोटिस भेजा है। ये नोटिस एक तरह से पुलिस के सवाल जवाब की प्रक्रिया की पूर्व सूचना है। इस नोटिस में डॉक्टर रमन सिंह से 24 मई की दोपहर 12:30 बजे घर पर रहने को कहा गया है। इस वक्त थाने की टीम उनसे पूछताछ करने उनके घर जाएगी। पुलिस ने सवाल भी पहले से लिखकर डॉक्टर रमन सिंह को भेजे हैं। 9 तरह के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस की तरफ से ये भी लिखा गया है कि इन बातों को नहीं माना गया तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह ने 18 मई को अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का कथित लेटर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि इसमें देश का माहौल खराब करने की तैयारी प्लानिंग लिखी है। डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि कांग्रेस विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने का, कांग्रेस कुंभ दुष्प्रचार और जलती लाशों की फोटो दिखाने का षड्यंत्र कर रही है। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की। इसके बाद डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इधर रमन सिंह ने आज सिविल लाइन्स थाने में गिरफ्तारी का ऐलान किया है। वहीं BJP भी रमन सिंह के समर्थन में जेल भरो आंदोलन करेगी।